हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हमारी रसोई में बनने जा रहा है पोहा कॉर्न कटलेट। गाइस, इस समय मार्केट में कॉर्न आ रहे हैं, काफ़ी फ्रेश हैं, तो मैंने कहा क्यों ना ये डिलीशियस सी रेसिपी ट्राई की जाए। गाइस, इसे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये स्नैक। आप इसे ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स कभी बनाकर खा सकते हैं, और आपके घर के बड़े से लेके छोटे तक सब बहुत मन से, बहुत चाव से ये स्नैक खाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए ये डिलीशियस सा क्रिस्पी सा स्नैक बनाकर रेडी करते हैं। पोहा कॉर्न कटलेट बनाना शुरू करते हैं। तो कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्मॉल साइज का प्याज कट करके ले लिया है। एक बाउल मैंने पोहा को दो बार पानी से अच्छे से धोकर ले लिया है। यहीं पर मैंने तीन मीडियम साइज के आलू को बॉयल करके मैश करके ले लिया है। यहीं पर एक बाउल मैंने स्वीट कॉर्न ले लिया है बॉईल करके। एक मैं नींबू का रस लूंगी। यहीं पर मैंने हरा धनिया का पत्ता ले रखा है कटा हुआ, और एक छोटा कैप्सिकम कट करके ले लिया है। यहीं पर मैं इसमें ऐड करूंगी नमक और हाफ स्पून ऑरिगेनो, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून चिली फ्लेक्स, एक हरी कटी हुई मिर्च ले ली है, और 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ले रखा है। यहीं पर मैं 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डालूंगी, ये भुना जीरा पाउडर है, और एक स्पून मैं बेसन ऐड करूंगी। साथ ही मैं ऐड करूंगी हाफ स्पून कुटा हुआ धनिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो स्वीट कॉर्न है इसे मैं दरदरा पीस लूंगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने कॉर्न को दरदरा पीस लिया, आप देख सकते हैं, और मैंने थोड़े से कॉर्न ऐसे ही रख लिए हैं, इनको मैं ऐसे ही इसमें डालूंगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्सिंग बाउल में डालकर एक अच्छा सा डो तैयार करूंगी। हमारी पहली टिक्की कटलेट बनकर रेडी है। तो इसी तरह से हम बाकी सारे कटलेट प्रिपेयर कर लेते हैं। देख सकते हैं, अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। कॉर्न पोहा कटलेट फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया, और ऑयल गर्म हो गया है। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम रहेगा, और जो कटलेट है उसे क्रिस्प होने तक, अच्छे से क्रिस्प होने तक हम उसे फ्राई करेंगे। तो सारे कटलेट इसमें डाल देते हैं जितने फ्राइंग पैन में आएंगे। अब हम इन्हें दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने क्रिस्प हो गए हैं ये कॉर्न पोहा कटलेट। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी और कितने डिलीशियस से लग रहे हैं। Thank you.
फ्रेंड्स, हमारा पहला बैच बनकर रेडी है। इसी तरह से हम बाकी कटलेट्स को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी डिलीशियस सा पोहा कॉर्न कटलेट बनकर रेडी है। गाइस, बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस बना है ये कॉर्न कटलेट, और इसे बनाना कितना इजी है आपने देखा ही है। मैंने कितने इजी तरीके से ये पोहा कॉर्न कटलेट बनाकर रेडी किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में इसी रेसिपी से ये पोहा कॉर्न कटलेट बनाएं और अपनी फुल फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।